कैसा भी बुखार क्यों ना हो, अगर आपका बुखार ज्यादा दिन तक आपकी बॉडी में बना हुआ है, वीकनेस बहुत बनी हुई है, बुखार निकलने का नाम नहीं ले रहा है, दवाई खा खा के परेशान हो गए, भूख नहीं लगती है, जितने भी बुखार के सिम्टम है अगर वो आपके साथ हो रहे हैं, और कैसा भी बुखार हो, मतलब वायरल बुखार हो या मौसम बदलने की वजह से बुखार आ गया हो, सिर्फ ये पत्ता आपकी बॉडी से बुखार को निकालने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब किस तरीके से ये रेमेडी आपको बनानी है और किस तरीके से लेनी है, कितनी बार लेनी है, वो सारा डिटेल में समझाने वाली हूँ। और ये पत्ता इतना गुणकारी है कि बिना किसी दवाई के आपके बुखार को जड़ से निकाल देगा आपकी बॉडी से, और आगे बुखार ना आए उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, आपकी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देगा। तो चलिए, ये पत्ता कौन सा है और कैसे इस रेमेडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बुखार के दिनों में, चलिए सारा डिटेल में आपको समझाती हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो कैसा भी बुखार क्यों ना हो, चाहे मौसम बदलने की वजह से आ गए, जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, उस वक्त भी एक बार तो हर इंसान को हल्का फुल्का बुखार होता ही होता है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम तब आ जाती है, यहाँ तक कि बच्चों को भी आ जाती है, कि बुखार एक बार आ गया है लेकिन हफ्ता हो गया, दो हफ्ते हो गए, वीकनेस नहीं जा रही, बुखार नहीं निकल रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम बना हुआ है, खांसी बनी हुई है, लंबे टाइम तक खांसी चलती रहती है, मन कड़वा हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं करता, ऐसा मन करता है जैसे बेड पर ही लेटे रहो, टांगों में दर्द रहता है, पूरी बॉडी में कभी कभी पेन होने लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दिन के समय बुखार ठीक हो जाता है, रात के समय फिर से बुखार आने लगता है, एकदम से तेज गर्म हो जाता है शरीर और एकदम से फिर नॉर्मल भी हो जाता है। ये सारे सिम्टम अगर आपके साथ हो रहे हैं या आपके बच्चे के साथ हो रहे हैं, तो एक आसान सी रेमेडी आपको बताने वाली हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये आसान से रेमेडी अगर दिन में आप 3 बार ले लेते हैं, तो सिर्फ 1 दिन के अंदर अंदर आप ठीक होने वाले हैं, आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो करना क्या है, सभी के घर में होती है ये तुलसी है, तुलसी के पत्ते, जो श्यामा तुलसी होती है, इसके पत्ते थोड़े से गहरे रंग के होते हैं, यानी एक तुलसी तो वो होती है जिसके पत्तों का कलर हल्का हरा होता है, यानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता, एक तुलसी थोड़े कालेपन पे होती है इस तरीके से, और उसके पत्ते भी छोटे होते हैं, इसको श्यामा तुलसी बोलते हैं। ये आपके घर में होगी ही होगी, अगर घर में है ठीक है, नहीं भी अगर आपके घर में है तो पड़ोसी के घर से आपको मिल जाएगी, और एक पौधा लाकर आप अपने गमले में भी लगा सकते हैं, कुछ ही दिनों में ये तैयार हो जाती है। तो इसके कुछ पत्ते आपने ले लेने हैं, जैसे 8 से 10 पत्ते ले लीजिए, इसकी चटनी बना लीजिए, थोड़ा पानी डाल के जो आपके पास ओखली होती है उसमें आपने ग्राइंड करना है, कूटना है, थोड़ा पानी मिला मिला के, अब इन पत्तों का रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद 2 से 3 चम्मच रस लेना है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी काली मिर्च, इस तरीके से छोटी आधी चम्मच काली मिर्च मिलानी है, और उसमें मिलाना है आपको शहद, 1 चम्मच भर के शहद मिला लीजिए। अब ये जो खुराक है हर 2 घंटे में उस पेशेंट को दे दीजिए, 1-1 चम्मच भर के उस पेशेंट को खिला दीजिए जिसको बुखार आ रहा है। नेचुरल डाइट आप देते रहिए, जिसमें सैलेड है, सैलेड हल्का बॉईल करके आप दे सकते हैं, हरी साग सब्जियां खिलाइए, सूप खिलाइए, रोटी चावल कम से कम देना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि 1 दिन के अंदर नहीं तो 2 दिन के अंदर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर बच्चा कोई छोटा है तो ये जो मात्रा है वो बहुत थोड़ी कर देनी है, यानी जैसे ये 1 चम्मच की खुराक आप उसको दे रहे थे, तब आप 10 साल का अगर बच्चा है उसको आधी चम्मच दे, अगर उससे भी छोटा बच्चा है तो सिर्फ 1/4 हिस्सा चम्मच का वो बच्चे को पिला दे, वो जो आपने पेस्ट बनाया है वो बच्चे को दे दे, ऊपर से गर्म पानी भी पिला सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप तुलसी के पत्तों को ले लीजिए, 1 कप पानी चढ़ा दीजिए, कुछ पत्ते डाल दीजिए, 8 से 10 पत्ते तोड़ करके डालने हैं, उबलने दीजिए, उसी के अंदर आप 2 चुटकी काली मिर्च डाल लीजिए, थोड़ा सा अदरक कूट के डाल दीजिए, इसको पका लीजिए, और पकने के बाद जब ये अच्छे से पक जाए, हल्का सा पानी उड़ जाए, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। अब जो ये काढ़ा है वो दिन में 3 बार आप पिला सकते हैं पेशेंट को। लेकिन अगर बुखार बहुत ज्यादा तेज है, आपके कंट्रोल से, आपकी रेंज से बाहर जा रहा है, तो तुरंत आपने क्या करना है, तुलसी के कुछ पत्ते लेने, 8 से 10 पत्ते, अदरक का 1 टुकड़ा डाल देना है, उसके साथ गिलोय की आप 1 डंडी ले सकते हैं, आपके हाथ की जितनी, इतनी 1 डंडी ले लीजिए,
उसको आपने कूटना है जैसे आप अदरक कूटते हैं। अब उस पानी में आप डाल दीजिए और उसके साथ दो चुटकी काली मिर्च भी। इसको आपको अच्छे से उबालना है चारों चीजों को, और उसके बाद जब ये हल्का गर्म रह जाए या आप आंच से उतार ले, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला देना है। शहद क्योंकि हम गर्म में नहीं मिला सकते, गुड़ मिला के आप ये काढ़ा उस पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी कैसे आपके बुखार को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। देखो, तुलसी इन्फ्लेमेशन को तो दूर करती करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, साथ में ही ये एंटी पायरेटिक होती है, डाइफोरेटिक होती है, जो क्या करती है कि बुखार को तेजी से कम करने में आपकी हेल्प करती है। इसको लेने के बाद आपकी बॉडी में हल्की सी हीट जनरेट होती है और उसके बाद पसीना आने लगता है जिससे बॉडी ठंडी होने लगती है। तो अगर बुखार बहुत तेज है तो उसमें तुरंत दवाई ना दे, आप ये काढ़ा बना के देते रहे। ये काढ़ा अगर आप दे रहे हैं तो 3 घंटे बाद फिर से आप एक बार काढ़ा दे सकते हैं। अगर बुखार धीरे धीरे कम हो रहा है, आप 2 से 3 बार दिन में ये काढ़ा देंगे, आप देखेंगे कि पेशेंट धीरे धीरे करके नॉर्मल आ रहा है। और उसके खाने पीने का, इन सब चीजों का ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि सिर्फ काढ़ा ही काढ़ा देते रहे, उसको हल्की फुल्की चीजें जैसे दाल का पानी आप दे सकते हैं। अगर पेशेंट पानी पीने के लिए मांगे तो उबला हुआ पानी गुनगुना आप दे सकते हैं, बहुत तेज गर्म भी नहीं पिलाना, गुनगुना पानी उबला हुआ आप उसको दें और ये काढ़ा देते रहे। साथ में आप सब्जियों का सूप बना के दे सकते हैं उस पेशेंट को, रोटी चावल इन सब चीजों को बंद कर दे कुछ टाइम के लिए। अगर पेशेंट को बहुत तेज भूख लगे, जैसे धीरे धीरे बुखार उतर रहा है, तब आप उसको पपीता, जो भी हल्के फ्रूट आपके पास है, आप उसको दे सकते हैं जो डाइजेस्ट होने में अच्छे हो, मतलब आसानी से डाइजेस्ट हो सके। इस तरीके से हल्के फुल्के आप उसको फल दे सकते हैं। अगर इस तरीके से आप पेशेंट की हेल्प करते हैं या उसकी देखभाल करते हैं और ये तुलसी का काढ़ा उसको देते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि एक दिन नहीं तो सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर कितना भी सीवियर बुखार क्यों ना हो, कितनी भी पूरी बॉडी में पेन क्यों ना हो, उसका जी कड़वा हो रहा हो, पेशेंट कुछ भी ना खाता पीता हो, उसका मन मिचला रहा हो, उल्टियां आ रही हो या फिर खांसी बनी हुई है, तो वो सब एकदम से ठीक होने लगेगा। क्योंकि तुलसी एक औषधि है हमारे घर में, जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी होती है। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है उसको तो जरूर तुलसी खिलानी चाहिए। आप अपने बच्चों को बुखार या फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से अगर बचाना चाहते हैं, तो हमेशा 2 से 3 पत्ते तुलसी का रस भी आप बच्चों को दे सकते हैं, या फिर तुलसी का काढ़ा एक बार दिन में जरूर बना के दे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर बच्चे तीखा पी सकते हैं तो काली मिर्च डाल दीजिए, नहीं तो काली मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। उसमें आप अदरक मिला दीजिए, थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए तुलसी के पत्तों के साथ, उसका काढ़ा भी आप बच्चों को दे सकते हैं। और साथ में अगर गिलोय भी डाल दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी बच्चों को आप आगे आने वाले जो इन्फेक्शन है या बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं उससे भी सेफ रख सकते हैं। अगर किसी को खांसी है, अस्थमा, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये तुलसी का काढ़ा। तो इस तरीके से अगर आप तुलसी का यूज करते हैं तो कैसा भी बुखार क्यों ना हो, उस पे आप विजय पा सकते हैं, यानी हमेशा के लिए उससे छुटकारा आपको मिल सकता है। और कमजोरी हो, थकान हो, उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। कुछ भी सिम्टम क्यों ना आ रहे हो बुखार होने के बाद, उनको भी आप काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।